ओके सो गाइस कैसे हो एट सब लोग। आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप एक स्त्री की नेम आर्ट स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरीके अपने खुद की नेम की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो है अमेजिंग क्लासिक लगने वाली। अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाकर रील्स पर अपलोड करोगे ना, आपकी वीडियो में लाइक और व्यूज आने वाले हैं। उससे पहले गाइस सबको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद पे घंटी का निशान है उस सबको ऑल पे प्रेस करने। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइज क्या कर रहे हो यार, फॉलो करो इंस्टा ग्राम पे अपने भाई को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है और इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, एक ऑप्शन शो करेगा, प्लस का आइकन क्लिक करना है और कुछ साइज शो करेगा आपको 9.16 इस साइज को सिलेक्ट करना है, फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक ऑप्शन शो करेगा बैकग्राउंड क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और उसके नीचे ऑप्शन शो करेगा क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करना है, ठीक है। और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। और साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है प्लस का आइकन क्लिक कर रहा है और एक ऑप्शन शो कर रहा है साइड में टैक्स, ठीक है, वो टैक्स पे क्लिक करना है। और गाइस आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे एक नेम टाइप करता हूँ, ठीक है, और नेम आ चुका है और ऊपर से कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक लाइन शो कर रहा है, इस लाइन को आपको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद गाइज देख लीजिए नेम का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। आपने इस तरीके से नेम का साइज बड़ा कर लेना है और साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है कलर क्लिक करना है और यहाँ से गाइज आपको वाइट कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और टिक पे क्लिक करना है और साइड में एक ऑप्शन और शो कर रहा है फ्रंट का, ठीक है। फ्रंट पर क्लिक करना है और व्यूज ऑल फ्रंट पर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पे बहुत सारे फ्रंट शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी फ्रंट ठीक लगे आपने उस फ्रंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। गाइज देख लीजिए नेम आ चुका है, ठीक है। और इस नेम का साइज में हल्का सा बड़ा कर लेते हो, ठीक है। नेम पे क्लिक करो और इसका साइज में हल्का सा बड़ा कर लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे बीच में सेट कर लेते हो, ठीक है। और एक ऑप्शन से वगैरह गाइज यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो, ठीक है, क्लिक करना बॉर्डर एंड शैडो पे और इसका गाइज आपको स्ट्रोक ओपन कर लेना है और कलर पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको वाइट कलर सेलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना है। सो मैं स्क्रीन पर टच करता हूँ, उसके बाद जो गाइज नेम वाली लेयर है क्लिक करना है और इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है, ठीक है। आपने जितनी लंबी कर लें, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर 4 सेकेंड है और 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। आपने इस तरीके से खींच कर इसकी लेंथ लंबी कर लें, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर लेंथ हो चुकी है 11 सेकेंड की और इस लेयर को फर्स्ट खिसका लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेम वाली लेयर है क्लिक करना है और एक ऑप्शन से हो रहा है गाइज यहाँ पर कलर क्लिक करना है और जो गाइज सेकंड में ऑप्शन से हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और एक लाइन शो कर रहा है, इस लाइन को आपको इस तरीके से नीचे कर लेना है, ठीक है, लास्ट कर लेना है और आपको स्क्रीन पर टच करना है। स्क्रीन पर टच करने के बाद गाइज देख लीजिए जो नेम है वाइट कलर था गाइज गायब हो चुका है। अब करना क्या है, जो गाइज नेम वाली लेयर है क्लिक करना है और कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, एक ऑप्शन शो कर रहा है इफेक्ट क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, एक ऑप्शन शो कर रहा है ड्राइंग क्लिक करना है, ग्लो, ठीक है, आपको ग्लो पे क्लिक करना है और फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है स्टैंडर्ड सेटिंग क्लिक करना है और गाइज देख लीजिए ओपन हो चुका और कुछ सेटिंग शो कर रहा है, ठीक है। जो गाइज फर्स्ट सेटिंग है इससे गाइज आपको माइनस कर लेना है, इससे गाइज आपको 50 कर लेना है, ठीक है। गाइज देख लीजिए 50 हो चुका और जो सेकेंड सेटिंग है अल्फा, ठीक है, इससे गाइज आपको फुल कर लेना है, ठीक है। फुल करने के बाद जो लास्ट सेटिंग है हार्डनेस, इसे गाइज आपको लास्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, कम कर लेना है। सो मैं इतना कर लेता हूँ, ओके। और उसके नीचे एक ऑप्शन वगैरह कलर क्लिक करना है और कुछ कलर शो करें गाइज, आपको जो भी कलर ठीक लगे, ठीक है, आपने उस कलर को सिलेक्ट करना है। सो गाइज में ऐसे पिंक कलर सेलेक्ट कर दो, गाइज देख लो पिंक हो चुका है और ब्लू सेलेक्ट कर दो, गाइज ब्लू हो चुका है, ठीक है। आपने इस तरीके से कलर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो मैं पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और स्क्रीन पर टच करो और गाइज आप यहाँ से जो हार्डनेस है गाइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ और इसे थोड़ा मूव करके अल्फा को गाइज मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ और इसे गाइज मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सेट कर लेना, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, आपको यहाँ पर सेटिंग सेट कर लेनी है। सो मैं इतना कर लेता हूँ और स्क्रीन पर टच करो गाइज देख लीजिए हमारे नेम में न्योन इफेक्ट आ चुका, आपने इस तरीके से न्योन इफेक्ट ऐड कर लेना है, ओके। अब करना क्या है, इसमें ड्राइंग इफेक्ट ऐड करना है तो ड्राइंग इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। जो नेम वाली लेयर है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है इफेक्ट पे और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ड्राइंग पे क्लिक करना है, ठीक है। और एक इफेक्ट शो कर रहा है ड्राइंग
ठीक है, क्लिक करना है इस पर, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेटिंग भी क्लिक कर लेना है, और जो सेकंड में ऑप्शन आ चुका है ड्राइंग, ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। और गाइज देख लीजिए सेटिंग ओपन हो चुकी है, और जो सेकंड में ऑप्शन से हो रहा है एंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको इसमें एक की ऐड करना है, ठीक है, एक ऑप्शन से हो रहा प्लस का आइकन, की आइकन क्लिक करना है, और जो सेकंड लाइन है इसे गाइज आपको इस तरीके से मूव कर लेना, ठीक है। सो इसमें माइनस कर लेते हैं जीरो, सो गाइज देखिए जीरो हो चुका है। उसके बाद जो गाइज नेम वाली लेयर है इसे गाइज आपको खिसका लें लास्ट, ठीक है, और लास्ट में थोड़ी सी लेयर इतनी छोड़ देनी है, ठीक है। सो गाइज आपको इतनी लेयर छोड़नी होगी, वरना गाइज आपका नेम यहाँ पर लास्ट में शो नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं इतनी लेयर छोड़ लेता हूँ। उसके बाद जो गाइज हमने अभी लेयर खिसकाई थी उसे फिर से मूव करना है इस तरीके से, सो मैं मूव कर लेता हूँ। सो गाइज देखिए मूव हो चुका, और आपको स्क्रीन पर टच करना है, और गाइज आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। गाइज देख लीजिए वीडियो में नियॉन इफेक्ट ऐड हो चुका, और नेम यार अमेजिंग लग रहा, क्लासिक लग रहा, आपने इस तरीके से अपना नेम लिख लेना। और गाइज इस वीडियो में अपना वाटरमार्क ऐड करना है, लोगो ऐड करना है, तो गाइज आपको लोगो भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है, अपना नाम लिखना है, ठीक है, प्लस पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करना है, और नेम लिख लेना है, फॉन्ट चेंज कर लेना है, और फिर ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, उसके बाद ड्रॉइंग इफेक्ट ऐड कर, मैं लोगो ऐड कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए लोगो ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से अपना लोगो ऐड कर लेना है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर का नेम लिखा था, और जो नीचे का लोगो गाइज आपने इस तरीके से एडिट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने स्टेप बता रखा आपने उसी को फॉलो करके अपना वाटरमार्क भी ऐड कर लेना, ओके। और इसमें गाइज अब एक PNG ऐड करनी है, ठीक है, एक हार्ट ऐड करना है, दिल, तो ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और इमेज एंड वीडियोस पे क्लिक करना है, आपने जो PNG डाउनलोड कर रखी है उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, PNG आ चुकी है, और साइड में एक ऑप्शन से हो रहा है, इस पर गाइज आपको दो तीन बार टच करना है, टच करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसकी लेंथ लंबी हो जाएगी, जो PNG है इसकी लेंथ लंबी हो चुकी, ओके। और जो PNG वाली लेयर आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद इस PNG का साइज छोटा करना है, तो मैं PNG का साइज़ छोटा करता हूँ, PNG वाले लेयर पे क्लिक करना है, और इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, साइज़ छोटा करने के बाद गाइज यहाँ पे ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं, ओके, और टिक पे क्लिक करा गाइज देख लीजिए वीडियो यार अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से अपनी वीडियो एडिट कर लेनी है। और गाइज इस वीडियो में साउंड ऐड करना है, साउंड ऐड गाइज आप इस ऐप से कर सकते हो, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और ऑडियो पे क्लिक करना, आप यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हो, या गाइज आप डायरेक्टली रील्स से भी इस वीडियो में साउंड ऐड कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को कर लेते अपने मोबाइल में सेव, वीडियो सेव करने के लिए एक ऑप्शन से ऊपर एक आइकन से क्लिक करना है, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।